बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही दोस्तों, हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज है 27 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, डेली मॉर्निंग में स्पेशल करंट अफेयर्स को लेकर आता हूँ। टाइमिंग होता है 4:30 पर, तो आप डेली मॉर्निंग में 10 मिनट का टाइम ऑनलाइन एसडी पॉइंट के लिए जरूर दिया करें। इस 10 मिनट में दोस्तों, आपको पता है, लगभग मैं 50 से 60 फैक्ट करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी कवर करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको आप नोट डाउन करते चलें। एग्जाम टाइम में शॉर्ट नोट्स काफ़ी यूजफुल रहते हैं रिविज़न के लिए, ठीक है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नोटिफिकेशन बेल है दोस्तों, उसको जरूर ऑन कर लें, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं, सर मुझे इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता मॉर्निंग करंट अफेयर्स का। तो आप चेक कर लें, आपने जो घंटी है बगल में सब्सक्राइब बटन की, उसको ऑन कर रखी है, नहीं तो घंटी ऑन कर लें जल्दी से, ठीक है। चलो, इस वीडियो को फटाफट एक लाइक करके मोटिवेट करिए दोस्तों, जैसा कि आप डेली करते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, देखिए फटाफट शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, हाल ही में कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। देखो दोस्तों, कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है कब, 26 जुलाई को, ठीक है। अभी इसके बारे में पूरी जानकारी जान लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा आ सकता है। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसको ये भी याद रखना है कि 20वीं वर्षगांठ थी इस साल, ठीक है। देखिए दोस्तों, कारगिल विजय दिवस, इसके बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, जो कारगिल विजय दिवस है, ये इसे हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब दोस्तों, जो कारगिल युद्ध है, लगभग ये 60 दिनों तक चला था, और इसको जो समापन हुआ था, इस युद्ध का अंत जो हुआ था, वो 26 जुलाई को हुआ था आधिकारिक रूप से। और इसमें जो है अपने भारत की विजय हुई थी और पाकिस्तान को धूल चटा दी थी हमने, ठीक है। तो इसी में दोस्तों जो है, इस युद्ध में जो है, कारगिल युद्ध में शहीद जो हुए थे अपने, तो उन्हीं के सम्मान, साहस और शौर्य को जवानों के सम्मान में जो है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 जुलाई को, ठीक है। 26 जुलाई का इसका अंत हुआ था। 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है। तो कारगिल युद्ध से है ऑपरेशन विजय का संबंध। इसमें जो सफल ऑपरेशन दिया गया था, ऑपरेशन विजय इसका नाम दिया गया था, ठीक है, ऑपरेशन विजय। तो कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है, 26 जुलाई को, और कौन सी वर्षगांठ है, 20वीं वर्षगांठ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो इतने आपको फैक्ट यहाँ से याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले सब एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हाल ही में लोक लेखा समिति यानी कि PAC यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में लोक लेखा समिति का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है, कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है। अधीर रंजन चौधरी, इनको लोक लेखा समिति यानी PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों, लोक लेखा समिति जो एक टर्म आया है, इसके बारे में आपको पता है क्या। चलिए, नहीं पता है, लोक लेखा समिति के बारे में आपको सारी जानकारी पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए तो देखिए दोस्तों, जो लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है, ठीक है। और ये क्या काम है इसका, तो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग करती है समिति, ठीक है। और ये समिति दोस्तों संसद द्वारा निर्मित लोक लेखा समिति। देखिए, एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि प्राकलंग समिति की जुड़वा बहन के रूप में किसे जाना जाता है, यानी प्राकलंग समिति की जुड़वा बहन के रूप में किसे जाना जाता है, तो लोक लेखा समिति को जाना जाता है। देखिए, इस समिति टोटल कितने मेंबर होते हैं, टोटल होते हैं 22 मेंबर, जिसमें से कि 15 जो हैं वो होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जिसका अध्यक्ष होता है, वो भारत का जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वो नॉमिनेट करता है। तो जो वर्तमान में भारत लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर हैं, वो कौन है, ओम बिरला जी हैं। इसकी अध्यक्षी ओम बिरला जी ने किया इसकी नियुक्ति, ठीक है। तो ये आपको सारे फैक्ट यहाँ से याद रखना है। और दोस्तों, जो ये कमेटी होती है, ये देखिए, इसको जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा यानी कैग हैं, उनके द्वारा लेखा परीक्षा संबंधी प्रतिवेदनों की जाँच किया जाता है, ठीक है। तो वर्तमान में कैग कौन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वो है राजीव महर्षि, ठीक है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, लोकसभा में कांग्रेस के पार्टी के जो लीडर हैं, अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है। ओके, तो यहाँ से इतने फैक्ट आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, जिसका अध्यक्ष होता है, वो विपक्ष पार्टी का ही कोई नेता होता है, ठीक है। तो ये भी अपोजिशन जो पार्टी होती है, उसी का लीडर होता है। चलिए, तो लोक लेखा समिति के बारे में आपको सारे फैक्ट पता होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्राकलन समिति की जुड़वा बहन किससे कहा जाता है, लोक लेखा समिति को, ठीक है। और इसका चेयरमैन याद रखेंगे अधीर रंजन चौधरी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री न्यू चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। तो कर्नाटक के जो नए CM बन गए हैं, आपको पता होगा दोस्तों, काफ़ी चर्चित रहे हैं,
ठीक है, न्यूज़ चैनल्स में आपने देखा होगा। देखो तो कर्नाटक के नए सीएम कौन बन गए हैं, बी एस येदुरप्पा, ठीक है, बी एस येदुरप्पा। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे एच डी कुमार स्वामी, ठीक है। तो इनका जो अभी जो यहाँ पे देखिए बहुमत पेश करने विफल हो गए थे एच डी कुमार स्वामी, ठीक है, तो अब यहाँ पे बी एस येदुरप्पा जो बीजेपी के नए सीएम बन गए हैं, ठीक है। अब देखिए कर्नाटका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कर्नाटका के वर्तमान में गवर्नर कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट है, गवर्नर जरूर पूछा जाएगा, तो वाजूभाई वाला है, ठीक है, वाजूभाई वाला। और देखिए प्रेम सिंह तमांगे कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, प्रेम सिंह तमांगा अभी हाल ही में बने थे ये, तो ये कहाँ के, सिक्किम के हैं वर्तमान में ये, ठीक है, सिक्किम के हैं प्रेम सिंह तमांग। प्रमोद सावंत कहाँ के, इनके अभी हाल ही में बने थे, ये गोवा के हैं वर्तमान में चीफ मिनिस्टर, गोवा के। ओके देखिए दोस्तों, कर्नाटका से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यक्षगान, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यक्षगान दोस्तों ये है कहाँ का, कर्नाटका का, ठीक है, यक्षगान कर्नाटका का है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हम्पी, हम्पी कहाँ स्थित है, कर्नाटका में स्थित है, ठीक है, हम्पी। ओके फ्रेंड्स, तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, बी एस येदुरप्पा, और कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है, सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु। और एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके का पूछा जाता है, भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, वो है कर्नाटका में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हाल ही में किस मंत्रालय ने डिपार्टमेंट्स डिफेंस प्रोडक्शन का डैशबोर्ड लॉन्च किया है, तो हाल ही में दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने डिपार्टमेंट डिफेंस प्रोडक्शन का डैशबोर्ड लॉन्च किया है, ठीक है। देखिए इस डैशबोर्ड को अपने रक्षा मंत्री जो कौन है वर्तमान में, राजनाथ सिंह ने इनको, इन्होंने लॉन्च किया है। ये डैशबोर्ड का नाम है DDP-dashboard.gov.in, ये, और वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। इसमें का इसका यूज़ क्या है इस डैशबोर्ड का दोस्तों, इस डैशबोर्ड को जो मिनिस्ट्री है वो रक्षा एक्सपोर्ट और डिफेंस एक्सपोर्ट्स और रक्षा साख, बौद्धिक संपदा अधिकार और मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति सहित जो है इसका यूज़ किया जाएगा इसमें, ठीक है, प्रमुख अंगों पर नज़र रखने के लिए इसमें जो हेल्प करेगा ये DDP-dashboard.gov.in। तो डिपार्टमेंट डिफेंस प्रोडक्शन का डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है, रक्षा मंत्रालय ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने। अब यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए वर्तमान में सेक्रेटरी कौन है, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, संजय मित्रा हैं। रक्षा सचिव कौन है वर्तमान में, संजय मित्रा हैं। और देखिए दोस्तों रक्षा मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1947 में रक्षा मंत्रालय की स्थापना की गई थी। ओके चलिए, तो हाल ही में किस मंत्रालय ने डिपार्टमेंट डिफेंस का, डिपार्टमेंट डिफेंस प्रोडक्शन का डैशबोर्ड लॉन्च किया है, किया है रक्षा मंत्रालय ने। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने केयर फॉर यू ऐप विकसित किया है, केयर फॉर यू एंड्रॉयड एप्लीकेशन विकसित किया है, तो किया है आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी खड़गपुर। देखिए दोस्तों केयर फॉर यू जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जो सीनियर सिटीजन है उनकी केयर करने वाले व्यक्तियों का जो पर्सन उनके जो कॉन्टेक्ट करेगा ये एप्लीकेशन, ठीक है। तो खड़गपुर की एक टीम ने जो है ऐप बनाया है, और ये जो सीनियर सिटीजन पर्सन है उनके जो सटीक स्थान पर, यानी उनके जो लोकेशन उन पर पहुँचाने के लिए, देखभाल करने के लिए ये इन्फॉर्म करेगा, जो भी केयर टेकर होगा उनको ये ऐप के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन जो होगी। किस संस्थान ने केयर फॉर यू ऐप विकसित किया है, आईआईटी खड़गपुर ने। देखिए दोस्तों आईआईटीज कितने हैं इंडिया में वर्तमान में, तो वर्तमान में आईआईटी हैं यानी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी वर्तमान में कितने, 23 हैं, ठीक है, 23। चलिए तो हाल ही में किस संस्थान ने केयर फॉर यू एप्लीकेशन विकसित किया है, आईआईटी खड़गपुर ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उपग्रहों को ले जाने के में सक्षम पहले निजी रॉकेट को लॉन्च किया है, यानी फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है, चाइना राइट आंसर हो जाएगा, चाइना। देखिए दोस्तों चाइना जो है यहाँ की जो एक स्टार्टअप्स है, इंटरस्टेलर ग्लोरी स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसे आई स्पेस के रूप में भी जाना जाता है, तो चीन का पहला जो है रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, इसका नाम क्या होगा, हाइपरबोला वन। तो इसको आई स्पेस द्वारा डिजाइन किया गया है, ओके, हाइपरबोला वन नाम है इस रॉकेट का। तो किस देश ने उपग्रहों को ले जाने वाले सक्षम पहले प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना की बात करें तो चाइना की देखिए कैपिटल क्या है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और देखिए चाइना जो है दोस्तों पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। चाइना के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग,
और प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली केकियांग है। करेंसी क्या है चाइना की? चाइना की करेंसी है रेन मिंगी, ठीक है, रेन मिंगी करेंसी है, जिसको युआन भी कहते हैं, ठीक है, युआन। चलिए, तो हाल ही में किस देश ने उपग्रहों को देश ने उपग्रहों को ले जाने में सक्षम पहले प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया चाइना ने। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता बीजी कैट का निधन हो गया, वो किस देश के थे? तो पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए जो नेता बीजी कैट हैं, इनका निधन हो गया, किस देश के थे ये? ट्यूनेशिया के थे। ऑप्शन बी, ट्यूनेशिया। देखिए, ट्यूनेशिया के प्रेसिडेंट और उत्तर अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता बीजी कैड एसबेनी का निधन हो गया, और वे विश्व के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति थे, विश्व के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति थे, ठीक है। क्या नाम था? बीजी कैड एसबेसी, इनका निधन हो गया है, ट्यूनेशिया के प्रेसिडेंट थे। ओके, बात करें दोस्तों यहाँ पे ट्यूनेशिया की, देखिए ट्यूनेशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस है ट्यूनेशिया की कैपिटल, ठीक है, ट्यूनिस। ट्यूनेशिया की करेंसी क्या है? ट्यूनेशिया की करेंसी है ट्यूनेशियन दिनार, ट्यूनेशियन दिनार। और ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है ट्यूनेशिया? तो नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका रीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सिक्योरिटीज पीडिया नामक एक ऑनलाइन विश्वकोश किसने शुरू किया है? तो ये किया किसने? CISF ने। देखिए दोस्तों, CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्स ने सिक्योरिटी पीडिया नामक एक ऑनलाइन विश्वकोश शुरू किया है, और CISF ट्यूब नामक अपने कर्मियों के लिए भी अनुकूलित वीडियो इंटरफेस भी लॉन्च किया है, ठीक है। CISF के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। 10 मार्च 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? राजेश रंजन है। राजेश रंजन वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं CISF के। ओके, तो हाल ही में सिक्योरिटीज पीडिया नामक एक ऑनलाइन विश्वकोश किसने शुरू किया है? CISF ने। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का को कौन सा स्थान मिला है? फीफा द्वारा रैंकिंग जारी की, इसमें इंडियन फुटबॉल टीम को रैंक मिली है कौन सी? 103, 103 मिली है, ठीक है, 103 रैंक मिली है। अब देखिए, इसमें नंबर वन पर कौन सी कंट्री है दोस्तों फीफा में? तो फीफा नंबर वन पर रैंकिंग जो पर है वो बेल्जियम है, ठीक है, बेल्जियम नंबर वन पर है, ठीक है। उसके बाद है ब्राज़ील, फ्रांस, और भारत जो है इसमें 103, 103 नंबर पर है। ओके, फीफा की बात करें दोस्तों, फीफा से रिलेटेड कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फीफा के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है फीफा के वर्तमान प्रेसिडेंट। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फीफा में वर्तमान में कितने मेंबर हैं कंट्रीज़? 211, 211 नेशनल, ठीक है, मेंबरशिप 211 है। चलिए, तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का आंसर दोस्तों हमारा क्या है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हिंदी रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? राम बहादुर राय राइट आंसर था। आज का सवाल क्या है? हाल ही में किसे केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है? आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। सभी के मैं कमेंट रीड करता हूँ। काफ़ी कम लोग कमेंट करते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें दोस्तों। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।